जी स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार सभी दर्शक वृंद, सभी महानुभाव जिस इस 5 दिवसीय श्रृंखला जो व्याख्यानमाला हम लोगों का चल रहा है फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो ये 5 दिवसीय वायलिन पर व्याख्यानमाला आयोजन किया है, उसमें सभी म्यूजिशियंस स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री सभी को मेरी स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे सामने आज पंडित इंद्रदीप घोष जी उपस्थित है आज की व्याख्यानमाला में। आप लोगों को वो मैयर घराने पर नमस्ते। उनकी जो टॉपिक आज होगी वो है स्पेशलिटी ऑफ मैयर घराना बाज ऑन वायलिन। हमारे साथ बहुत मैं देख रही हूँ प्रोफेसर राजेश शाह जी, डीन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, डॉक्टर प्रोफेसर संगीता सिंह HOD इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री मैं देख रही हूँ, और चंदन विश्वकर्मा जी, इंद्रदेव चौधरी जी जो पार्टिसिपेंट्स प्रोफेसर साहित्य कुमार नार जी फ्रॉम आई कैन सी सम डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, I can see some participants from abroad also, Professor Praveen Uddhav ji, सभी लोग अभी उपस्थित हो गए हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर वी बालाजी सर जी, हेलो नमस्ते, participants from abroad, so I welcome you all to this 5-day lecture series, and today we are having the 3rd day, and we are having Pandit Indradeep Ghosh ji with us. I will request Professor Sangeeta Singh ji to welcome him from our department to deliver his lecture. I personally welcome Pandit Indradeep Ghosh ji, and I request Sangeeta ma'am to welcoming officially. Namaskar. Hello. Ji madam. Hello. Namaskar sabhi विद्वज्जन गुरुजन सभी शोधार्थी विद्यार्थी का मैं इस व्याख्यान माला में बहुत ही स्वागत करती हूँ, या जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा आयोजित इस वायलिन के व्याख्यान माला में जो विभिन्न हमारे वादन की जो शैलियां हैं, तकनीकी है, प्रस्तुतिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को विद्यार्थियों को अवगत कराना इस उद्देश्य से या व्याख्यानमाला आयोजित है। और इसमें जो अभी आपने जैसा नाम लिया मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रही हूँ, प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर जी और भी जितने भी विद्वज्जन इससे जुड़े हुए हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही इसमें जो हमारे संकाय एवं हमारे जो विभाग के जो सदस्य हैं, मैं उनका पहले स्वागत करना चाहूंगी। हमारे वाद विभाग के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर बी बालाजी, जो वायलिन में जिनका और हर विषयों में हर कार्यों में जिनका बहुत ही वाद विभाग में योगदान रहता है, तो मैं हृदय से उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर वीरेन्द्र नाथ जी,
हमारे प्रोफेसर राजेश शाह जी, जिनके निर्देशन में ये सारे व्याख्यान माला आयोजित हो रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पे हम सब चल रहे हैं, उन्हें भी हृदय से बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। आपका आशीर्वाद तो हम लोगों पर रहता ही सदा ही। और मेरे डॉक्टर प्रेम किशोर जी, डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, डॉक्टर सत्वर प्रसाद जी, डॉक्टर राकेश कुमार, श्री सतीश जी और डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा जी, ये हमारे सभी विभाग के हमारे सदस्य हैं। और जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, इन सभी का बहुत ही योगदान है हमारे वाद विभाग पे, इसलिए मैं इन सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम सहयोग पीछे से बहुत ही सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। साथ ही मैं परम विदुषी मैडम को बहुत याद करती हूँ, और ये मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी कि जब भी मेरी अभी कुछ दिन पहले व्याख्यान माला हुआ था तो मैडम से बात हुआ, परम आदरणीय प्रोफेसर राजा मैम से, तो उन्होंने जो अनुभव बताया, मैं आपको बताती हूँ कि वो संगीत फैमिली से थी और सब कुछ ऐसा समृद्ध था, ऐसा नहीं कि वो कहीं से कुछ परिवार में संगीत के कुछ कमी थी, फिर भी जो एक विद्यार्थी जैसे का मन होता है, ललक होती है सीखने की, वो पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर जी को सुना और वहां से उनको इतना अच्छा लग गया, वो उनसे प्रभावित होके काशी आई और कितने तन्मयता से उन्होंने इस विद्या को अर्जन किया है, आज सारा विश्व उनको जान रहा है। तो ये सारी चीजें सीखने लायक हैं हमारे जितने भी विदुषी और विद्वत जन हैं, कि ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत लगन चाहिए, जुनून चाहिए। और मैं इसलिए ये सारी बात करती हूँ क्योंकि ये जो विद्यार्थी का ये जो समय चल रहा है, जो हमारी एज है, ये इस समय ही ये जुनून होता है, और जो समय है उसका आप लोग बहुत सदुपयोग करिए, क्योंकि यही उम्र है, ये बहुत, ये जो ऊर्जा और शक्ति जो इस समय इस बॉडी में चलती है, ये बहुत, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हर तरह से आपको विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराना, कि आप भ्रमित मत होइए, आप जिस दिशा में चल रहे हैं आप सही चल रहे हैं। जैसा कि बंदोपाध्याय सर ने कहा कि आप कान लगा के, ध्यान लगा के आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ उपलब्ध है। मैं यही विद्यार्थियों से कहूंगी कि आप इतने दूर दूर से आते हैं, बड़े आशाओं को संजो के आते हैं कि हम आर्टिस्ट बने, हम कलाकार बने और हम कहीं लेक्चरर बने, तो आप लोगों को इन सारी चीजों को, हम लोग का उद्देश्य है कि आपको सपोर्ट करना, हर तरीके से आपको लाभ मिले। आज सुबह भी गायन का इतना सुंदर व्याख्यान मैं सुन रही थी, तो ये बड़े आप बहुत भाग्यशाली, हम सभी भाग्यशाली हैं कि माँ जगत जननी, उस जगदम्बा की माँ सरस्वती के जो धारा बह रही है विद्वानों के मुंह से, ये बहुत अद्भुत है, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। मैं तो खुद साक्षी भाव से देख रही हूँ कि एक चमत्कार क्या हो रहे हैं, और हम लोग निमित्त मात्र, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग माध्यम मात्र हैं, वो सब वही कराने वाले वही माँ सरस्वती है। तो मैं इन सब अपनी बातों को, ये मेरे भावना है, मैं व्यक्त करती हूँ। इसके साथ में मैं अपने आज के वक्ता पंडित इंद्रदीप जी का बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले भी कई आपका एक व्याख्यान हो चुका है जिसको सुन के मैं बहुत प्रभावित हूँ, और निश्चित है मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं या देश विदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको बहुत इससे ज्ञान अर्जित होगा, क्योंकि मैं इस चीज को, मुझे विश्वास है कि आपको एक बहुत अच्छा, आपको एक नॉलेज मिलेगा कि हमें किस ढंग से और प्रैक्टिस करना चाहिए, विभिन्न आयाम जिसको कहें, विभिन्न अपने वाद को विभिन्न पहलुओं से और किस तरह से हम दृष्टि से देख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, और वाद विभाग आपके लिए दो सम्मान पत्र पढ़ रहा है, इसको ग्रहण करिए। वाद विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा आयोजित इस हमारे वायलिन में हो रही व्याख्यान माला में पंडित इंद्रदीप जी को उत्कृष्ट ज्ञान एवं व्यक्तित्व
वक्तव्य से संगीत के जिज्ञासुओं को अभिशंसित करें। वाद्य विभाग आपको इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। और मैं बहुत जल्दी से ये मंच अपनी स्वर्णा मैडम को दे रही हूँ ताकि वो अति शीघ्र इसको संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने बहुत विस्तार पूर्वक सब सब कुछ बच्चों के हित के लिए बहुत कुछ बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलें जो कि बच्चे उसको दिमाग में रखें। और ये जो अपॉर्चुनिटी इस ये संकट के काल जो हमारे साथ अभी गुजर रहा है, उस स्थिति में ये जो समृद्धपूर्ण व्याख्यानमाला चल रहा है, हम ही लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहें और उनको ऐसा ना फील हो कि अभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, फैकल्टी बंद है, जो इनपुट उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत वो लोग जुड़े और इसका लाभ उठाए और अपने जो भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, लेकिन अपना शिक्षण जो है वो जारी रखें। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं अभी देख पा रही हूँ कि हमारे साथ काफ़ी बड़े लोग भी जुड़ गए हैं जो लगातार हम लोगों को बहुत इनकरेज कर रहे हैं इस व्याख्यानमाला के दौरान। उनकी उपस्थिति दर्ज करते हुए पंकज माला शर्मा जी मैम को भी हम देख पा रहे हैं और हम वोकल डिपार्टमेंट के भी सभी हमारे सहयोगी प्रोफेसर अमरीश चंचल जी और प्रोफेसर संगीता पंडित जी सभी को हम देख पा रहे हैं। धीरे धीरे मैं सभी को स्वागत करते हुए पुनः मैं अभी अपने संकाय प्रमुख महोदय प्रोफेसर राजेश शाह सर से इस व्याख्यानमाला को शुरू करने से पहले उनसे आशीर्वचन सुनेंगे हम लोग और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि हम लोग के ये जो इतनी उत्साह के साथ हम लोगों की उत्साह वर्धन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से और लगातार हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ को करने के लिए और उत्साह दे रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर राजेश सर को आमंत्रण कर रही हूँ कि आप आशीर्वचन दे आज के व्याख्यान माला। धन्यवाद स्वर्णा जी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि लगभग 10 से 12 दिनों से हम लोग व्याख्यान मालाओं की एक श्रृंखला के दौर से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं बचा अभी कि जिस पर हम लोगों ने व्याख्यान माला आयोजित न करने की कोशिश की। आज से दो नई व्याख्यान माला भी शुरू हो रही हैं, गायन की और बांसुरी की। तो आज दिन में 4 व्याख्यान माला है। इससे ये प्रतीत होता है कि संगीत एवं मंच कला संकाय के वाद्य विभाग और गायन विभाग काशिंद विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप सभी शिक्षक मिल करके इस काल को अवसर का काल बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। नृत्य विभाग भी इसमें जुड़ा हुआ है। अभी शास्त्र विभाग की 7 दिन की व्याख्यान माला हुई, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि शास्त्र जैसे विषय पर भी विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं और शिक्षकों के साथ साथ सभी विद्वान 7 दिन तक हम लोग के साथ जुड़े रहे और लगभग 100-125 की संख्या में शास्त्र को सुनने के लिए, वो भी विशुद्ध शास्त्र को सुनने के लिए लोग उपस्थित रहते थे। उसके अलावा फेसबुक पर भी बहुत से लोगों ने इसका लाभ लिया। ये सभी व्याख्यान मालाएं ऑनलाइन फेसबुक पर भी जा रही हैं, जिससे जिनकी भी ये व्याख्यान मालाएं छूट जाएं, वो पुनः इसको सुन करके अपना लाभ प्राप्त कर सकते।
आज का द्वितीय सत्र वायलिन विषय को समर्पित है। वायलिन विषय के लिए तीसरा दिन है। प्रथम दिन हम लोग ने पंडित संतोष नाहर जी, विगत कल दिन हम लोग ने विदुषी संगीता शंकर जी का व्याख्यान सुना। आज हम लोग के बीच में पंडित इंद्रदीप घोष जी उपस्थित हैं। मैं दिल से हार्दिक उनकी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये समय हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए निकाला। इस सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ संकाय के शिक्षक और हमारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो बाहर से प्रतिभागी जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं कि आप इसी तरह जुड़े रहें हमसे, और हम उत्साह से सभी व्याख्यान मालाओं को और रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाते हुए आगे की व्याख्यान मालाओं के बारे में भी उत्साहित होकर सोचें। मैं पुनः वाद्य विभाग की डॉक्टर सुवर्णा खुंटिया, वायलिन विषय जिनका है, उन्होंने संयोजिका के रूप में इसको संयोजन किया है इस व्याख्यान माला का, और प्रोफेसर संगीता सिंह जी जो वाद्य विभाग की अध्यक्षा हैं, आपने बहुत मेहनत से ये व्याख्यान मालाएं आयोजित की हैं। विगत दिनों हम लोग के सितार की व्याख्यान माला भी संपन्न हुई, और अभी तबले की आज व्याख्यान माला का अंतिम दिन है। तो इस प्रकार से प्रत्येक शिक्षक संगीत एवं मंच कला संकाय का हर संभव कोशिश कर रहा है कि अगर विद्यार्थी हमारे कक्षाओं में नहीं हैं, तो उनको हम कैसे घर तक इस ज्ञान को पहुंचाएं, विभिन्न विषयों, विभिन्न पक्षों को रखते हुए। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी शिक्षकों का, जिन्होंने इससे जुड़ करके इतना बड़ा यज्ञ एक तरह से संपन्न करवाने में हमारी मेहनत, हमारी जो सहायता की है, मैं बहुत आभारी हूँ। और सभी हमारे जो विद्वान उपस्थित हो रहे हैं प्रतिदिन, उनका मैं बहुत ही दिल से आभारी हूँ कि आपने ऐसे समय में हमारा साथ दिया है जब हम सोच रहे थे कि ऑनलाइन कैसे हम लोग क्या करें, कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाएं, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे हर तरह की, हम लोगों ने को बहुत कोशिश की भी दूसरे दूसरे माध्यमों से। फिर हम लोगों ने ये विचार किया कि नहीं, आप लोगों के माध्यम से हम विद्यार्थियों तक ये सभी अगर ज्ञान की बातें पहुँचाएँ तो विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क पर बहुत इसका प्रभाव होगा और वो इसको आत्मसात करेंगे। मैं पुनः वाद्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी और डॉक्टर सुवर्णा खुंटिया जी, वायलिन के असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जिस उद्देश्य से इस व्याख्यान माला का आयोजन किया है वो सफल हो और हम सभी उससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं पंडित इंद्रदीप घोष जी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। टाइटल्ड एज प्रिंस ऑफ वायलिन, इंद्रदीप घोष इज वन ऑफ द प्रीमियर वायलिनिस्ट एंड वन ऑफ द ओनली इंडियन क्लासिकल वायोलिस्ट ऑफ इंडिया एंड ए टेल ब्लेजर for the Maihar Gharana. Indradeep ji is one of the few Indian classical violinist and Indian classical violist to play a unique custom-made five-string violin and viola with eight sympathetic string modeled after Norwegian Hardanger fiddle, which gives a fuller tone and resonating effect. Over the years, he has extensively performed all over extensively performed all over the world and was featured in some notable events, including the 10th Asia Festival in Barcelona, SXSW Music Festival at Austin, USA, LearnQuest Music Festival, Boston, USA, Tansen Tyagaraj Music and Dance Festival,
राजा मुंडरे इंडियन इंडिया फेस्टिवल डी यू बाउट डी यू मुंडे फ्रांस फेस्टिवल ऑफ क्रोएशिया योग विद्या म्यूजिक फेस्टिवल इन जर्मनी टू नेम ए फ्यू. He has collaborated with several Western musicians such as Grammy-winning kora player Mama Dao Diabet, world-famous rock band drummer Steve Smith, jazz organ monster Tony Monaco, and a versatile flutist Pedro Eustache, to name a few. He has performed throughout Europe, including Germany, France, Austria, Spain, Denmark, Croatia, Belgium, Netherlands, Switzerland, you name a country, he has performed everywhere and has toured all over USA. He is an A-grade artist of India, All India Radio, and performed regularly for national radio and TV channels. He has, to his credit, many classical and fusion music albums. He is the only Indian violinist to release first ever commercial Viola bass violin album titled Tribute to Mia Tansen on Viola. He has also contributed to the album Melodic Intersect One Vision, which won the Academia Music Award in January 2016 from Los Angeles. He has created two new ragas called Ganpati and Indradhanus, which gained enormous appreciation, popular and positive feedback from his fans and global listeners. He has recently been appointed as Council General and Chancellor General for South Asia by International Commission of Diplomatic Relations. Human Rights and Peace, which is an intergovernmental organization of UN. Disa. He also appointed as Goodwill Messenger for of Peace and Art and Culture, Chancellor South Asia by International Special Court of Arbitration and Human Rights, which is an autonomous arbitration institution of the UN, IGO, ICC, ICA, and ICJ. Through Global Creative Art Academy, City of Austin, he has recognized his contribution for promoting Indian classical art and culture in Texas and honored him with a proclamation stating October 15, 2017 as Indradeep Ghosh Day. Such a honor to Indradeep Bhai. We are proud to have you here in our department and in this lecture series. So I will request now to deliver your lecture, and hopefully all our students, not only from our faculty but from all over India, and I can see from your students from abroad also they have joined. So we are going to listen a very interesting topic you have chosen, and you are representing Mahir Gharana. So we'll be listening to your deliberation. So over to Indradeep Bhai. A warm welcome to you. Shukriya, आप सभी को धन्यवाद. And Swarna ji, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे पंडित मत लगाइए, क्योंकि मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ, एक सेवक हूँ संगीत का. तो आप लोगों की प्यार से आप ये आपकी बड़कपन है बस, तो किए जा रहे हैं सब की सेवा. तो आप लोग आशीर्वाद करें, काफी गुणी जन काफी दिग्गज जन यहाँ पे उपस्थित है. तो आप सब लोगों से मेरा ये विनती है कि आप मुझे आशीर्वाद करें ताकि हम अच्छी तरह से सेवा कर पाए, और जो गुरुओं से सीखे हैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाए. तो यहाँ पे मैंने काफी लोगों को देखे हैं, जैसे कि बालाजी सर हैं यहाँ पे उपस्थित, शौना जी आप भी हैं, संगीता सिंह जी हैं, राजेश शाह जी है, डीन जी, और ऊपर प्रफुल्ल कुमार रॉय साहब भी है मैंने देखा, और मैंने सुना कि वो आपके गुरु हैं. मेरे गुरु जी है. जी जी, अब मैंने शुरू की थी उनसे. पंकज माला जी, बहुत बहुत नमस्कार. शुक्रिया शाह जी है, साहित्य नाहर जी है,
वीरेंद्र जी भैया, तो सबको और जिनका नाम मुझसे छूट रहा है तो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ कि अगर मुझसे कुछ भूल हो गई, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या फिर देख नहीं पा रहा हूँ उन लोगों को। तो आप सब लोगों से मैं आशीर्वाद लेके ये जो सत्र है वायलिन का भी, मईहार घराने का जो बाज है वायलिन में वो कैसे बजता है, तो इसका शुरुआत करेंगे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा बात बोलना है कि जैसे कि हम लोग लास्ट दो सेशंस में, लास्ट दो सत्र में हम लोग सुन के आ रहे हैं कि कैसे रियाज का जो टेक्निक है या फिर जो हम लोग हर रोज का जो प्रैक्टिस होने का है वो कैसे होना चाहिए, तो ये सभी घराने में एक जैसा ही होता है। इसका कुछ अलग सा नहीं होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जैसे कि हम लोग क्लास 10 ग्रेड तक एक जैसा ही पढ़ते हैं सब लोग, उसमें साइंस भी रहता है, आर्ट्स भी रहता है, कॉमर्स का भी होता है, तो वहाँ तक हम लोग एक जैसा ही पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब हम लोग 11th ग्रेड में जाते हैं तो हम लोग को कुछ स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। तो वैसे ही म्यूजिक में भी मेरे ख्याल से वैसा ही है कि एक लेवल तक हम लोग सभी को जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजा रहे हैं उसका जो टेक्निक है, उसका जो बेसिक थिंग्स है, तो हम सब लोगों को एक जैसा ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग किसी किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं, किसी किसी घराने में स्पेशलाइजेशन, जिस गुरु से सीख रहे हैं, जिस घराने में सीख रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो जैसे कि हमने मईहार घराने में मेरा पहला गुरु जो कि अनामित्र मुस्ताफी थे, तो वो प्रोफेसर रविन घोष जी से सीखे थे, तो वो भी मईहार घराने की थे। उसके बाद मेरा तालीम हुई प्रोफेसर श्रीमती शिशिर कौनाथ चौधरी जी से, तो उनसे मैं अभी भी सीख रहा हूँ जब मौका मिले, क्योंकि उनका भी आजकल बहुत ही उम्र हो गया और उनका भी सेहत भी ठीक नहीं है, तो उनसे मैं सीखा हूँ। फिर थोड़ा सा तालीम मुझे पंडित जोग साहब से भी मिला है, पंडित जी जोग साहब से। तो मेरा जितना तालीम हुआ सभी इसी घराने से हुआ है, मईहार घराने से। तो अली अकबर खान साहब से भी मेरा थोड़ा सा तालीम, मतलब हम वर्कशॉप अटेंड किए उनके 2-3, तो इसलिए उनसे भी थोड़ा सा हमने सीखे हैं। तो ये घराना एक ऐसा है, आप लोगों को पता है कि ये तंतु एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटल घराना है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट का जो अंग है वो ज्यादा बचता है इसमें। तो इसमें बजाने के लिए जैसे कि स्वर्णा जी बताए कि ये कस्टम मेड वायलिन है, ये कस्टम मेड वायलिन अभी ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से है। एक्चुअली 1950s में या फिर 60s में आप लोग सभी लोग शायद जानते होंगे, पंडित श्रीधर पारसेकर जी जो गोवा के रहने वाले थे, महाराष्ट्र गोवा उधर के, तो उन्होंने सबसे पहले ये तरफ वायलिन जो डिजाइन है तो वो बनाए थे, तो वो 50s में। तो उसके बाद पंडित वीजी जोग साहब, फिर मेरे गुरु माँ शिशिरकनाथ और चौधरी, और उनके बाद हम लोग उनके सभी सारे शागिर्द जो लोग हम सीख रहे हैं उन लोगों से, तो सभी लोगों ने बनाया। तो मैं थोड़ा सा वो इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहता हूँ वो कैसा है। तो ये एक्चुअली नॉर्मल 4/4 वायलिन ही है जैसे कि हम लोग बजाते हैं। So basically this is the same violin, पर इसमें देखिए आप लोग अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा सामने ला रहा हूँ, देखिए इसमें अलग से एक ब्रिज लगा के इसमें तरफ के तार लगे हुए हैं, और जो कि इधर आके इसके साथ एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट करके इधर इसका पेक्स बनाया हुआ है। तो इसमें ये 8 तरफ के तार लगे हुए हैं, तो इसको जैसे कि हम लोग सितार सरोद में भी जैसे रागों के अनुसार उसको मिलाया जाता है, इसमें भी वैसे ही हम लोग रागों के अनुसार ही इसको मिलाते हैं। तो 8 स्वर है, तो पंचम से पंचम या मध्यम से मध्यम ऐसे करके हम लोग इसको मिलाते हैं। तो अभी बात आती है कि हम लोग का जो रियाज है या फिर जो हम लोग के इस घराने का जो स्पेशलिटी है वो हम लोग कैसे लाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि रियाज एक जैसा ही होता है, तो हम लोग दो सत्रों में हम लोग सुने हैं कि कैसे रियाज करना चाहिए, किस किस सरगम का रियाज करना चाहिए, तो वही सब उसी सब के ऊपर हम लोग अगर बेस करके आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो हम लोग उसके कंपेयर कर पाएंगे कि वो करने के बाद थोड़ा सा ये तंत्र कार्य अंग में अगर हम लोग को बजाना है वायलिन, तो हम लोग को उसके साथ क्या चीज जुड़ना है या फिर क्या चीज उसके साथ रियाज करना है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स में बजा के बताता हूँ, शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा आसानी होगी समझने में और मुझे भी कहने में और आगे चलने में। तो आप सब लोगों से मैं आशीर्वाद लेके मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना वहां पे? हाँ जी आ रही है। और इसमें और एक भी चीज है कि
पांच ताल लगे हुए हैं, तो हम लोग कुछ दिनों से कल और परसों दो दिन ही हम लोग देखे कि चार तार और पांच तार का, तो जैसे कि कल संगीता जी भी बता रही थी कि अभी स्टिल इट्स गोइंग थ्रू लाइक द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, तो वो सही बात है। तो इसमें ये पांचवा तार जो होता है वो वियोला का सी स्ट्रिंग होता है, तो अगर किसी को अगर लिखना है या किसी को जानना है तो ये जो पांचवा तार होता है ये लो में लगता है, तो लोअर साइड में, तो इसका ये पांचवा तार वियोला का सी स्ट्रिंग होता है। सो नॉर्मल ई ए डी जी होता है चार तार वायलिन का, और ये पांचवा तार होता है सी जो कि वियोला का तार है। और ई ए डी जी का ट्यूनिंग हम लोग अलग से करते हैं, जैसे हम लोग सुने ही दो दिनों से, तो इसका ट्यूनिंग अगर हम लोग नीचे से भी देखें तो वो है सा सा पा सा पा सा, या ऊपर से भी देखें तो सा पा सा ऐसा ही है। तो हम लोग वेस्टर्न ट्यूनिंग जो है उससे हम लोग अलग ट्यून करते हैं इंडिया में इंडियन म्यूजिक के लिए, तो या तो हम लोग सापा सापा करते हैं जब चार तार बजाते हैं, या फिर पासा पासा, और कुछ कुछ ऑफकोर्स जो लोग हैं वो लोग मासा पारे भी ट्यूनिंग करते हैं, कुछ लोग मासा पासा भी ट्यूनिंग करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें अलग अलग ट्यूनिंग का है वायलिन में, पर द एंड रिजल्ट इज द सेम कि हम लोगों को राग ही बजाना है, राग संगीत बजाना है, शास्त्रीय संगीत बजाना है, तो उसको जिस तरह से हम लोग उभर पाए, जिस तरह से हम लोग सीखे हैं, उस तरह से हम लोग इसको कोशिश करते हैं प्रेजेंट करने की। तो इसी में मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि क्या सरगम कैसे करके हम लोग रियाज करते हैं एक्स्ट्रा, जो कि जो रेगुलर जो है उसके बाद हम लोग कैसे इसको करते हैं, मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूँ। और ये बेसिक सबके लिए एक ही है कि सारे गमा ही देखना है जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो वायलिन में थोड़ा सा अलग चीज है क्योंकि हम लोग वायलिन में एकदम फर्स्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी कैन प्ले सारे गमा, एकदम पहले दिन से हम लोग को सारे गमा बजाने के लिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कुछ फ्रेट्स नहीं होते हैं। अगर आप देख लें कि सितार में या फिर गिटार में या फिर जिस भी जो भी इंस्ट्रूमेंट में फ्रेट्स होता है तो उसमें इजी है कि आप उसमें उंगली रख सकते हैं या बार रख सकते हैं या कुछ किसी चीज से आप सारेगामा सीधा बजा सकते हैं, पर वायलिन हो या सरोद हो या फिर सारंगी हो जिसमें आपका ये फ्रेट्स कुछ नहीं है तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है ये जगह पहचानने जो कि सबसे मुश्किल चीज है। तो इसलिए पहले तो हम लोगों को जो बेसिक स्ट्रिंग्स का कंट्रोल्स है या फिर राइट हैंड है बोइंग का वो हम लोग को देखना पड़ता है कि अलग अलग स्ट्रिंग्स में हम लोग कैसे इसको बजाएंगे। बाद बेसिक्स जो ये हो जाता है फिर हम लोग एक एक करके आते हैं फर्स्ट फिंगर देन सेकंड फिंगर एंड देन द थर्ड फिंगर और उसके बाद हम लोग कंबाइन करते हैं फिंगर्स को। सो मैं वहां से जा रहा हूं कि कैसे हम लोग पलटा या फिर कैसे सरगम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखें कि ये बज रहा है बेसिक सारे गामा, इसमें जब हम लोग आते हैं तो जैसे कल संगीता दीदी भी बता रही थी कि जब हम लोग गायकी का अंग या फिर इसमें जो मिंड का जो काम लेते हैं तो उसका प्रैक्टिस इसके बाद आता है कि सा जो हम लोग में नहीं है तो हम लोग इसको स्ट्रोक के साथ बजा नहीं सकते, तो हम लोग इसको बोइंग से हम लोग का स्ट्रोक का जो इफेक्ट है वो लाना पड़ता है। तो हम लोग इसमें जैसे कि सितार में सरोद में डा रा का बोल होता है तो वही जो है चीज वही जो अंग है हम लोग उसको बो से निकालते हैं वो डारा बोल को। मान लीजिए हम लोग ये बजा रहे हैं तो हम लोग देखिए डिफरेंट पोजिशन में डिफरेंट नोट्स के साथ हम लोग कैसे उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लीजिए पहला दूसरा में आता है After every fourth note, उसको हम लोग डबल में बजा रहे हैं। मान लीजिए और
ये जो चीज है इसको हम लोग अभी एक साथ इसका हम लोग रियाज करते हैं। उसके बाद आता है कि हर एक नोट को मैं डबल जो कि बोल के साथ इसको हम लोग बोलते हैं धीरे 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 जो बोल सकता होगा सर होता है तो इसको हम लोग साथ साथ एक के बाद एक रियाज करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। इसके बाद पूरा होता है कि मान लीजिए फर्स्ट में थर्ड में सेकंड और फोर्थ में फिर सब में इसका हम लोग अलग अलग जो इसका जो छंद होता है उसको करते हैं। मान लीजिए चेंज हुआ है वायलिन में और फर्स्ट स्ट्रिंग को हम लोग साथ ही है क्योंकि अगर ये फर्स्ट स्ट्रिंग अगर हम लोग का पा होगा तो हम लोग इसको ऐसे चिकारी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सभी लोगों ने शायद जोग साहब को भी सुने हैं पारसेकर जी को भी कुछ लोगों ने सुने हैं तो वो लोग सब इसको ऐसे चिकारी यूज करते थे हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग उसी से हम लोग सीखे हैं कि इसको फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे चिकारी यूज करना। तो मान लीजिए कि हम जब झाला बजा रहे हैं तो झाला में हम लोग इस चिकारी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि सितार सरोद में बज रहा है। तो देखिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल में दिखाता हूँ। मान लीजिए इसका हम लोग चिकारी ऐसे
कंठ भी कर सकते हैं, मतलब दो दो लाइक। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, बोल का जैसे हम लोग बोल बजाए तो उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे कि झाला का हम लोग को पता है कि झाला का जो बेसिक थ्योरी है वो है कि सीधा झाला जब हम लोग बजाते हैं तो उसमें एक नोट और तीन चिकारी, या फिर जब हम लोग थोक झाला बजा रहे हैं तो एक चिकारी तीन नोट, तो वही चीज हम लोग इसमें रखने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए सो हम लोग के पास चिकारी नहीं है, तो हम लोग के पास ये सा है और ये ओपन स्ट्रिंग है जो फर्स्ट स्ट्रिंग, तो इसके साथ हम लोग इसका इफेक्ट लाते हैं, कि हम लोग तो पूरा झाला नहीं बजा पाएंगे ऑफ कोर्स एज ए सितार और सरोद, सो उसका इफेक्ट हम लोग लाते हैं ऐसे। जब खोग झाला कर रहे हैं उसमें हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि उसमें ध्रुपद अंग का ज्यादा प्रयोग होता है, और हम लोग जो अलाप जोड़ का जो सेक्शन होता है उसमें हम लोग उसको इलाबोरेटली हम लोग बजाते हैं। तो इसका जो मेरे गुरुमा ने ये चालू किए थे कि वियोला में ये अलाप जोड़ बजाने का जो प्रथा है, तो उसी से मुझे भी इसका तालीम मिला है गुरुमा से कि अलाप जोड़ का जो सेक्शन है उसको जो वियोला में बजा के फिर जो हम लोग मतलब बंदिश में जा रहे हैं या फिर दूसरा कुछ कर रहे हैं उसको वायलिन में। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वियोला का आवाज भी एक बार सुना देता हूं, मुझे पता नहीं आप लोग शायद सुने होंगे वियोला सभी लोगों ने, तो जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं अलाप हम लोग के घराने में कैसे अलाप का बरत होती है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, थोड़ा सा प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों से। तो इसका आप लोगों को पता है कि वियोला थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो जैसे कि मान लीजिए सितार का सुरबहार होता है, सो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बजाते हैं। तो इसके लिए इसका पिच भी लो होता है, तो अभी ये वियोला भी ये जी में है इसका, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसमें भी वही सेम पांच तार लगे हुए हैं, सो इसका आप लोगों को जो वायलिनिस्ट है या जो वियोलिस्ट है उन लोगों को पता होगा कि इसका नाम क्या क्या होता है। तो इसका एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होता है वो नीचे वाला होता है, ये चेलो का ए स्ट्रिंग होता है। तो सी जी डी ए ये तो हो गया रेगुलर वियोला का स्ट्रिंग, और ये हो गया एफ स्ट्रिंग। सो ये है, और इसमें भी वैसे ही आठ तार लगे हुए हैं तरफ के। इसको हम लोग ट्यून कर लेते हैं जिस भी राग में बजा रहे हैं। बेसिकली इसका अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोपोर्शन या साइज के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, तो वायलिन जो होता है वो 14 इंच का होता है ये बॉडी, सो हम लोग इसको पकड़ते हैं 14 इंच। सो दिस साइज फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम इफ यू कैन सी माय दिस वन द लेफ्ट फिंगर या सो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये होता है वायलिन का 14 इंच, और जो वियोला होता है उसका होता है 15, 15.5, 16, तो इस तक होता है वियोला का। तो ये 16 इंच का वियोला है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ नापेंगे तो ये 16 इंच का होता है, और ये फुल लेंथ में भी थोड़ा सा 2.5 इंच बड़ा होता है वायलिन से।
Thank you.
कुछ बंदी से भी बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा है। जरूर, इसमें थोड़ा सा एक धमाल का एक बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं, तो फिर हम जाएंगे आपको उसकी दूसरा जो कॉम्पोजिशन है। जी जी। तबले की आवाज क्या आ रहा है? तबला तानपुरा आ रहा है। ओके। Thank you.
सुंदर। सो इसका बढ़त होता है तो छोटा सा मैंने इसका प्रस्तुति किया। सो ऐसा हम लोग इसको बजाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो वायलिन पे है तो दूसरा तीन ताल में जी जो भी अलग अलग होता है तो उसका हम लोग कुछ स्पेशल अगर मयर घराने की कुछ स्पेशल बंदी से अगर आप सुना सकते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है। अनिर्बान फ्रॉम मुंबई इज आस्किंग कि इफ यू कैन प्ले सम स्पेशल बंदिश व्हिच इज प्लेड ऑन वायलिन बंदिश फ्रॉम मयर घराना सो यू कैन टेक अप द इस घराने में ऑफ कोर्स बंदिश का एक अलग उसका एक मिजाज होता है कि उसका उसका जो लिरिसिज्म होता है कि हम लोग बोलते हैं कि गुरु से सीखे हैं कि बंदिश में ऐसा चाल है हर एक घराने में जरूर होगा या फिर है भी तो कि आप बंदिश ही बजाएंगे तो लगता है कि पूरा राग खुल के सामने आ जाता है। वैसा ही है कुछ ऑफ कोर्स कुछ खास बंदिशें हैं तो मैं कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं सुनिए। वियोला बजाने के बाद वायलिन बजाना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि आपका ये जो मसल मेमोरीज है क्योंकि उसका रेंज काफी बड़ा होता है। जी जी हां आई कैन अंडरस्टैंड। कोशिश करें बस आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि बच जाए आप लोगों को सुना पाए ठीक से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे सभी से। सर नमस्कार मोहन नमस्कार मोहन सर नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद कीजिए। Thank you.
वहां जाने के बाद उसको लगता है कि कुछ छोटा हाथ में पकड़ लिया है। देखिए इस राग में ये मियां की सारंग इसमें कंपोजिशन में बजा रहा हूं खुद का है। तो इसमें देखिए कैसे कि बोल के साथ हम लोग बंदिश बजता है उसमें, देखिए बजा रहा संगीता मैम का कुछ संगीता मैम का कुछ प्रश्न है उसमें वो कुछ बोलना चाहती हैं। संगीता मैम ज्यादा ज्यादा कठिन सवाल मत कीजिए। हाँ कुछ बच्चों को जो मैहर घराने की कुछ मूलभूत चीजें बताइए, कुछ बंदी से देख के जाइए ताकि ये भी याद रखे आपको कुछ। जी ये तो बच्चों को दे के जाइए आप इस मंच से। जरूर जरूर, मेरा तो मेरे पास जितना मैं तो सब कुछ ही देना ही चाहता हूँ, तभी जाके ना ये आगे बढ़ेगी ये स्टाइल। जी देखिए एक मैं ये बोलना चाहूंगी, मेरी अपनी भावना है कि एक तिनका भी यहाँ से लेके जाना नहीं है, सब कुछ यही देके जाना है और वो निरंतर चलेगा, वो मिटेगा नहीं, अमर है अजर है वो चीज, और उससे ही शायद हम सब लोग जाने जाएंगे। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी मैहर से मैंने भी जो जो चीजें प्राप्त करी हैं अपने ज्योतिन गुरु जी से, आगे भविष्य में मैं सब विद्यार्थियों को इस धरती को इस धारा को सब देख के जाऊंगी। तो ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं कोई भी हम लोग, तो इसको तो देखे ही जाना है। हम लोग के गुरु हम लोग को लेके देखे गए हैं, तो इसीलिए हम लोग भी इसका चर्चा कर पा रहे हैं, इसको सुना पा रहे हैं, लोगों को इसका रियाज बहुत बहुत एकदम सही बात। हाँ, कुछ क्वेश्चन भी आ रहा है इंद्रदीप जी कि ये फाइव स्ट्रिंग की वायला की जो ट्यूनिंग
वो कैसे आप करते हैं, मतलब लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि वो वायलाकर ट्यूनिंग जो है। उसका भी ट्यूनिंग एक जैसा ही होता है, मैंने सिर्फ बताया कि इसका स्ट्रिंग्स का जो नेम होता है वो अलग अलग होता है। हाँ देखिए आप, सी जी डी ए, ये चार स्ट्रिंग होता है वियोला का, सी जी डी ए, इसी में डी इसका ट्यूनिंग होता है जो वेस्टर्न्स बजाते हैं, वेस्टर्न। वेस्टर्न बता, हाँ इसमें ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जो है, फिफ्थ स्ट्रिंग जो है, ये है एफ स्ट्रिंग एफ। कि जो ये कि छेलों का होता है एफ, तो एफ सी जी डी ये होता है स्ट्रिंग्स। आप जब इसको खरीदेंगे और इसका ट्यूनिंग एक ही हम लोग करते हैं, जैसे कि वायलिन में हम लोग किए फाइव स्ट्रिंग का सा पा सा, बट इसका पीच नीचे होता है। इसका यूजुअली हम लोग ए में बजाते हैं, तो अभी आप लोग को पता है कि अभी बारिश का मौसम है तो इसमें प्रेशर भी काफी होता है, प्रेशर भी, यस यस बहुत अभी टेंशन हो जाता है। ये जी में मिला हुआ है, पर जी में आप इसका ओके। सा सा है, देखिए। और कुछ क्वेश्चन आया है। गुरुजी, कुड यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन द पैटर्निंग ऑफ तंत्रकारी इन योर स्टाइल ऑफ प्लेइंग। जी तंत्रकारी का जो मैंने, ये पारिजात भट्टाचार्य दार्जिलिंग से, वेस्ट बंगाल से भेजे हैं। जी मैंने पहले ही बताया कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तंत्रकारी के। तंत्रकारी का देखिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सितार सरद से आया है, बिनकर बाज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उस बाज में जो होता है कि उसका एक बोलो का जो है उसका बहुत ही महत्व होता है। बोल मतलब जो दारा डीरी दा दिरदारा दिरदारा, ये सब जो बोल होता है जो कि सितार सरोद का एकदम स्पेसिफिक या फिर उनका ही चीज है, तो उसको हम लोग वायलिन में लाते हैं। तो हम जैसे कि हम बजा रहे थे आपको, हम सुना है पहले भी, तो जैसे कि हम लोग मतलब सरगम का इस्तेमाल करते हैं तो उसी से है। देखिए दाद दिरदारा हम बजाएंगे तो ये बंदिश हमने जो बजाया उसमें भी वैसा ही था। देखिए दा दिरदा दरा दा दिर दा दरा दा दिरदारा दा त्रा दा दर दा रा डा दा दर 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 दा दा त्रा रा दा दा त्रा रा डा डा त्रा रा डा दर 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 डा 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 दर दा 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 डर डा दा। तो देखिए उसी अंग से हम बंदिश को बजा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये सब बोल का, देखिए कैसे इसको बो को लिफ्ट करके इसको हम लोग को बजाना पड़ता है। देखिए तो ये देखिए ऑफ में इसका जो अप बो में है, अप बो में इसका एक्सेंट आ रहा है। संगीता मैम, हमारे पास कुछ टाइम है ना अभी? हाँ है अभी। अच्छा ठीक है, मैं बस एक एक दो कॉम्पोजिशन में आप बजा के बस इसके बाद हम लोग नमस्ते करेंगे। देखिए तो
जब भी उसका बोल का जो लग गया तो उसका कलर ही चेंज हो गया। तो ऐसे में देखिए सभी के मूल में आपने जो पहले जो एक्सरसाइजेस बताए ये सभी के मूल में ये है कि पहले उसको कर ले, ग्राउंड तैयार कर ले और उसके बाद ये फिर उसकी जो जैसे हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं फिर उसके बाद एप्लीकेशन होता है, कोडिंग सीखते हैं फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वही जो कोडिंग हम लोग पहले सीखे हैं उसको फिर हम लोग डिकोडिंग इसमें कर सकते हैं, जब अप्लाई कर सकते हैं जब हाथ तैयार हो जाए। तो ये सबके मूल में जो है हमें जो लग रहा है कि जो ग्राउंड वर्क सभी लोगों को सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए और उसमें मुझे आजकल थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा कमी हो रहा है सारे बच्चों में और थोड़ा उत्साह की भी कमी हो जाती है। तो वो चीज़ वो अभी इस सत्र को देखने के बाद उनको लगने लगेगा कि नहीं हमको और बहुत कुछ करना है। हम जब गुरुजी के पास गए थे तो 2 साल तक सिर्फ सरगम का और पलटे का रियाज हुआ था। हाँ ये बात था, सच में बोरिंग गेम, इतना क्या करेंगे, मतलब 10-12 साल के तब है उम्र था तो क्या इतना पलटा करेंगे। तो गुरुमा बोल देते अगर इसको पसंद आता है तो करो नहीं तो छोड़ दो, जाके खेलो बाहर, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जाके फिर मम्मी का भी ऊपर से प्रेशर, तो बस उसी में चला। तो ये 2 साल तक यही चला सिर्फ सरगम, सिर्फ पलटा बजाना, सिर्फ वो का एक्सरसाइज, लेफ्ट हैंड का एक्सरसाइज, तो ये सब चला। तो देखिए मैं छोटा सा, आप लोग जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोग, मैं भी स्टूडेंट हूँ पर मतलब मुझसे जो छोटे भाई हैं उन लोगों के लिए मैं छोटा सा एक टिप्स दे देता हूँ। देखिए हम लोग प्रैक्टिस जब कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसको कर रहे हैं, छोटा सा फ्रेज सीधा नोट इसको आप बजा रहे हैं, आप बजा रहे हैं इसको भी, ठीक है। अभी इसको, इसके ऊपर से इसका बोल आ जाएगा, तो देखिए कितना बो का टेक्निक चेंज हो रहा है। सो इसके बाद तो गायकी का जो पार्ट है उसको तो रियाज करना ही है। अलग अलग सबसे तो ये भी चीज हो रहा है, पर बच्चों को बोलना चाहूंगी, हेलो हेलो जी बोले। ये सारे बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हम सब लोग जितना भी हम लोग बच्चे जितना भी यहाँ सब सीखते हैं कुछ, ये बस प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमें बोलने के लिए शब्दों को बहुत, जितना हम अधिक शब्दों को संग्रह करेंगे उतना अच्छा वाचन कर सकते हैं, तो उसी तरह ये जितने अलंकार है सब यहाँ सभी लोग बताते हैं, आप भी, हमारे प्रोफेसर बाला सर भी हैं और भी जितने, कल संगीता मैम का भी मैंने सुना, तो जितने भी सब लोगों का वही है, लेकिन ये करने की चीज है और अधिक से अधिक करना है और वही राई का पहाड़ करना है। लेकिन स्टूडेंट सोचता है और क्या, जो आज का विद्यार्थी वो ज्यादा देखने के चक्कर में पड़ा हुआ, वो प्रयास कर ले तो बहुत कुछ इससे हासिल होगा। जब हम लोग इस उम्र में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी वृद्धि कर रहे हैं, मैं सारे विद्यार्थी से, चाहे वो सितार के हो, वायलिन के हो, बांसुरी के हो, वो तबले के भी हो, वो इतना मटेरियल वो लोगों को मिल रहा है कि शायद मुझे लगता है कि अगर वो साल भर करे तो वो बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत अच्छे आगे भविष्य में जितने भी बच्चे हमारे शोधार्थी हैं, जो अभी बीयूज एमबीयूज के स्टूडेंट हैं, जो इस व्याख्यानमाला को अगर वो देख रहे, समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने शायद
हमेशा पाठ्यक्रम को पूरा करने में समय लगाया, उससे अधिक कहीं इन लोगों को प्राप्ति हो रही है। और मैं ये चाहूंगी कि ये लोग बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा करेंगे भी, भविष्य में ये सब एक से एक बढ़ के निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य यही है कि इनको कितना समृद्धि किया जाए और अपने विषय का कितना विस्तार किया जाए। और मुझे विश्वास है मैडम, जो आपने जो प्रयास किया इतने इतने महान महान लोगों को लाके, तो इसमें बहुत अच्छा होगा आगे, ये उम्मीद है मुझे। और आगे मैं इतना सुंदर आपने बजाया, आगे भविष्य में मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग ने अभी अपना प्रदर्शन दिया, आगे भी जुड़े रहे, हमेशा हम लोगों को सहयोग प्रदान करते रहे। मैं ये आप लोगों से हमेशा चाहूंगी कि हमेशा इस हमारे वाद्य विभाग से जुड़े रहे, और जब भी हम लोगों की जरूरत हो हम आपसे सेवा लें, और हमारे सारे बच्चे बहुत उन्नत के शिखर पे जाए, और हर टेक्निक उसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि ये गायन है ये तंत्रकारी है, ये सब में मत पड़िए, जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हम हमारा दिल क्या कह रहा है, हम क्या बजाना चाहते हैं, उसको करिए, बस अच्छा करने की कोशिश करिए, ये सब विवादों से ऊपर उठ के करिए, सब करने की विद्या है बस। हम लोगों को अब समझ आ रहा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी मैडम, आपको देती हूँ, मैं बहुत बहुत खुशी हूँ। प्रश्न हम लोग ले लेंगे, जरूर जरूर मैडम, मैं दे रही हूँ आपको, आप शुरू करिए। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बात बताए। इंद्रदीप भाई, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। एक यतिराज अधिकारी जो नेपाल से जुड़े हैं हमसे, वो जानना चाहते हैं कि वायलिन में संगत के विभिन्न आयाम जैसे गीत गजल भजन में जो पीस जब बजाना पड़ता है तो स्टूडियो में इनका प्रयोग एकल कैसे बदल जाते हैं, स्टूडियो में इसका प्रयोग जो है वो कैसे बदल जाते हैं और उसको कैसे हम लोग कर पाएंगे एफिशिएंटली, ये उनका क्वेश्चन है, शायद यही जानना चाहते हैं। ये तो रियाज है, क्योंकि गाना आप अगर गीत बजा रहे हैं, गजल बजा रहे हैं, कुछ भी हो, भजन बजा रहे हैं, साथ जब संगत करना पड़ता है वायलिन को, तो वो किस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह का? देखिए, उसका तो वैसा तो कुछ नहीं है कि इसका कुछ फिक्स है, तो इसका मेरे ख्याल से जितना होता है कि एज ए इंडिविजुअल म्यूजिशियन उसका म्यूजिशियनशिप कितना है, आप उसको कितना निखार के बहाल ला सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक गाने का जो मुखरा है या अंतरा है जो भी है, आपको बीच में इंटरल्यूड बजाना है, तो आपको उसके साथ उसको लिंक करना है, क्योंकि जब आप संगत कर रहे हैं किसी के साथ, सो देन यू आर एन एकम्पनिस्ट, और आप संगतकार हैं, तो आपका दायित्व वही है कि आप उसको लेके जाए, उसको आप मतलब आप उसका जो है आपका ड्राइवर है, आप उसको लेके जा रहे हैं, आप तो आप जब लेके जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, कि आप कितना आराम से कितना सूक्ष्म रूप से उसको आप उसमें डाल सकते हैं, कि जब मान लीजिए कि स्थाई से जब अंतरा में जा रहे हैं तो उसका बीच का जो ट्रांजिशन है वो आप कैसे बजाएंगे ताकि वो सेफली लैंड कर पाए फिर अंतरा में। सो ये तो आपका खुद का म्यूजिकलिटी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई बोल देते हैं कोई कर देते हैं। तो हम लोग काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं कि कितना अच्छा म्यूजिक का फ्रेमिंग करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से पूरा ही होता है कि आप तो इंडिविजुअल म्यूजिशियन की वो उसको लेके कैसे सोच रहे हैं, या फिर जो मतलब डायरेक्टर है म्यूजिक डायरेक्टर की उसको लेके वो कैसे सोच रहे हैं कि कैसा। कभी कभी वो डायरेक्टर कुछ पीस भी दे देते हैं आपको एज इट इज, वैसे ही उनके डिमांड के हिसाब से भी बजाना रहता है। तो सबसे बस मूल बात यह है कि आप वेल इक्विप्ड होना चाहिए, यू कैन बी आपको सब आना चाहिए, आपको अगर मिड बोले तो आप मिड से बजाओ, आपको अगर बोले कि आप पलटा करके बजाओ तो पलटा से बजाओ, जैसे भी हाँ। आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है, आप मुगलसराय होके जाएंगे या वाराणसी होके जाएंगे या फिर कानपुर होके जाएंगे, ये तो डायरेक्टर के ऊपर है या आपके ऊपर है, आपको जाना है दिल्ली तक, दिल्ली से फिर दूसरा जगह का शुरुआत हो रहा है, तो बस हाँ सही बात है, एग्जैक्टली वही बात है। तो अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये शारदा प्रशन्न दास, रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये जानना चाहते हैं कि क्या वायलिन में वायलिन का कोई स्वतंत्र घराना है, या अगर है तो कौन कौन सा घराना है? स्वतंत्र घराना तो वायलिन का वैसे क्यों नहीं है कुछ, मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है, क्योंकि वायलिन हर एक घराने में बज चुकी है या बजता है अभी भी। So, आप ग्वालियर में भी वायलिन बजाए, क्योंकि सब जगहों पे गायकों के साथ वायलिन बजा है काफी दिनों से ये बजता आ रहा है, सो एकम्पनीमेंट हुआ है, तो इसलिए इसका अलग से कुछ, जैसे कि आप मान लीजिए कि इमदाद खानी घराना या इटावा घराना, तो
तो वो सितार का ही घराना है, उसमें आप मुझे पता नहीं कि कोई गायक है या नहीं उस घराने से। ऑफ कोर्स उसमें भी गाने के काफी बंदिशें हैं जो कि सितार में बजता है, पर वोकलिस्ट फ्रॉम इटावा घराना मैंने नहीं सुना अभी तक, तो हो सकता है कि कोई है। तो इसी तरह हम लोग का वायलिन का कुछ अलग घराने कुछ नहीं है कि ये वायलिन का घराना है, वायलिन किसी भी घराना किसी भी घराने में बज सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है, हम लोग वायलिन को बोलते हैं किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि इसमें सब कुछ बजता है, आप जैसे भी बजाना चाहे इसको बजा सकते हैं। तो इसलिए आप जिसमें भी इसको डाले उसी उसी का रूप ये ले लेता है, ये पानी जैसा है। तो इसलिए इसका कुछ अलग खास कुछ घराना नहीं है, किसी भी घराने में ये बजता है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सुखवंत सिंह गुरुजी, अगर आपके पास आकर तालीम हासिल करनी है तो क्या ये संभव है? अरे मेरे पास अभी इतने विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे पास आके क्यों तालीम लेना है? आप उन लोगों से देखो, फिर हम मुझसे जितना होगा जरूर हम हेल्प कर देंगे, पर मेरे पास आना है तो आ सकते हो, पर काफी बड़े गुणीजन दिग्गजन सब बैठे हुए हैं जो जिनसे हम लोग भी सीखे हैं, तो जरूर उनसे भी सीखिए। तो जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर आपको सहायता। डॉक्टर प्रेम किशोर जी आपके लिए बहुत तारीफ भेजे हैं, बहुत उनको बहुत अच्छा लगा है आपका बजाना और ये एंड डॉक्टर सुप्रिया शाह जी भी नमस्कार बोल रहे हैं और आपको यू आर वंडरफुली प्रेजेंटिंग द स्टाइलिस्टिक स्पेशलिटीज ऑफ महर घराना, तो ये बहुत अप्रिसिएशन आपके लिए आ रहा है। जी, और कुछ बच्चे अगर और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जो हाथ वाला जो सिंबल है, यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन 2:52 हो गया है। तो जी, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हाथ उठा के अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। एंड बहुत बहुत कुछ बातें इंद्रदीप भाई बहुत जेनरसली। हाँ बोलिए। अरबी का कंपोजिशन एक मैं बजा देता हूँ, सुनिए, हमारे घराने से है ये। और जैसे जी 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 जरूर 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 कंपोजिशन लिखे हैं गाने के, तो उसी में से एक जो कि हम लोग मैहर घराने में सबको पता है वो कंपोजिशन, तो मैं थोड़ा सा वो बजा रहा हूँ, थोड़ा सा जितना हो सके मैं गा के भी थोड़ा सा उसका वर्डिंग्स बता दूँ। यहाँ पे डर नहीं है ना, कोई मार नहीं सकते मुझे, वैसे मैं तो नहीं, वैसे भी कोई नहीं मारेंगे, यू आर सो स्वीट, कैसे हो इसे खुशी से गा देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बजा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इसका वर्डिंग्स भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये हमारे घराने की बहुत ही खास कॉम्पोजिशन है। जी माता सरस्वती शारदा
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। गायन जितना गायकी का स्टाइल है हम लोग के घराने में, तो थोड़ा सा उसका भी प्रस्तुति थोड़ा सा। तो ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता है कि कैसे इसके यंत्र में बजता है, इसका अलग कंपोजिशन भी है काफी। जी जी जी। पर किसी दूसरे दिन भी हम लोग कंपोजिशंस लेके बैठेंगे घराने की, तो डेफिनेटली हां, वी विल बी इन टच। एंड अभी तो ये सिलसिला जारी होता ही रहेगा, क्योंकि जो सिचुएशन अभी देश में पूरा वो है, तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि हम लोगों को और कुछ दिन इसी तरह ये जो वर्चुअल मीडियम से ही काम चलाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वी विल बी डूइंग समथिंग एल्स। सो अभी और अगर बच्चों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, दे आर सो एकदम बहुत अभिभूत हैं आपके परफॉर्मेंस से, और आपने बहुत पहलू जो है आज बच्चों को बताए हैं, और सभी हम ही लोग सब इससे लाभान्वित भी हुए हैं। मैं अभी कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं डॉक्टर सुप्रिया शाह जी को आमंत्रित करूंगी कि वो औपचारिक धन्यवाद आपको दें। डॉक्टर सुप्रिया शाह, साउंड नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है मेरा? हाँ, अभी आ रहा है। सभी को मेरा प्रणाम, और बहुत ही मेरे को मैं डॉक्टर स्वर्णा कुंटिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले कि आपने इस लायक समझा कि आज पंडित इंद्रदीप घोष जी हमारे बीच पधारे हैं और उनके सत्र में मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस सत्र में मुझे आपको सुनने का, वैसे तो पहले भी सुना है, समय समय पर हम आपको सुनते रहे, लेकिन आज विशेष रूप से इस व्याख्यान माला के अंतर्गत जो ज्ञान हम सबके बीच आपने बांटा है, और खास तौर से जो मेहर, क्योंकि मैं भी मेहर की ही विद्यार्थी हूँ, और मेरे लिए आज ये बहुत ही खास दिन है कि आप मेहर के इतने अच्छे कलाकार आज हमारे बीच पधारे हैं, और जितनी क्लैरिटी के साथ और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आपने मेहर जैसी जो इतनी व्यापक और इतनी डीप जो ये ट्रेडिशन है मेहर का, जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, चाहे ध्रुपद अंग से आपने अलाप जोड़ झाला दिखाया, इतने कम समय में इतनी जो उसकी जितनी वैरायटी थी आपने इतने कम समय में दिखा दी, जो कि दैट इटसेल्फ शोज कि आपकी जो मास्टरी है इस शैली पर, और जो आपकी खुद का जो एक सोच उसमें रही है, एक आपकी जो मेहनत रही है, वो दिखता है, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ कह जाना ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा समय में तो हमारे पास बहुत समय होता ही है कि हम आराम से अपनी बात कह पाए, लेकिन कम समय में इतना कुछ कह जाना,
स्टार्टिंग फ्रॉम गिविंग टिप्स ऑन हाउ टू डू रियाज, उसमें जो बोलों का जो एक सितार और सरोद के जो बोल आपने वायलिन में जो रियाज किए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दो आई एम नॉट अ वायलिन स्टूडेंट, बट जब से मैं BHU आई हूँ मुझे वायलिन बहुत सुनने का मौका मिला है, तो मैं इस बात को समझ थोड़ा थोड़ा पाती हूँ कि इस तरह के जो बोलों का काम है, बो के माध्यम से सितार और सरोद के बोलों को बो के माध्यम से वायलिन पर निकालना, आई डोंट थिंक इट्स एन ईजी टास्क, आई थिंक उसमें बहुत मेहनत लगती है, और क्योंकि वो इट्स एसेंशियली जो बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें कंटिन्यूटी ऑफ साउंड होती है, और जब हम स्ट्रोक्स का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो साउंड में ब्रेक भी आता है, तो उस चीज को बैलेंस कर पाना इतने सुंदर तरीके से आपने बताया, और उसके बाद गायकी की सारी बातें आपने रियाज के लिए जो ध्यान देने की कि एक ही बो में आकार किस तरह से निकालें 8 स्वरों का, फिर 16 स्वरों का एक ही बो के अंतर्गत, तो वो स्ट्रोक्स वहां पे गौण हो गए, और वहां पर गायकी जो है तंत्रकारी से गायकी में भी आप शिफ्ट हुए, और उसका भी रियाज आपने बताया, और आपने इतने अच्छे से आपने ये चीज आज यहाँ अपने वादन के माध्यम से एक तरीके से सभी को ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि मेहर इज अ कंप्लीट शैली, उसमें गायकी तंत्रकारी सारे एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, सारे एलिमेंट्स, और ये इस शैली की जो ये वृहद शैली है ये इसकी विशेषता है जो आज आपने बताई, और जो बंदिशें आज आपने सुनाई उनमें भी कितना सुंदर एक बैलेंस था ऑफ तंत्रकारी एज वेल एज गायकी एलिमेंट्स इन योर बंदिशेस, इन द बंदिशेस जो ट्रेडिशनल आपने बजाई मैहर की बंदिशें, और ऑफ कोर्स जो आपने समापन किया उस्ताद अली अकबर खान साहब की इस बंदिश से, जिस जो आपने गा के भी सुनाई, तो गायकी और तंत्रकारी और वायलिन की विशिष्टताएं आपके अपने स्वयं के अपने वाद्य में जो इनोवेशंस हैं, वायला के ऊपर जो चीजें आपने बजाई और उसकी टेक्निक, वायलिन की टेक्निक, और संगीत में जो डेप्थ कैसे लानी है, आई थिंक बहुत सी ऐसी चीजें, और गुरु का भी आपने जब आपने अपनी गुरु माँ का जो उल्लेख दिया कि 2 साल तक सिर्फ अलंकार बजाए, सिर्फ पलटों का रियाज किया, और कोई वहाँ इफ्स एंड बट्स नहीं थे, और अगर इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं मन में तो बस आप गेट आउट हो जाइए, तो वो जो एक समर्पण वो डिसिप्लिन वो भी हमारे स्टूडेंट्स को सीखने योग्य है, वो पेशेंस रखना सीखने के समय, वो गुरु के प्रति विश्वास रखना कि जो गुरु हमें बता रहा है वो हमारे लिए सही है, वो समर्पण रखना अपने गुरु के लिए कि इन द लॉन्ग रन वही चीजें हमें काम आएंगी, तो ये सारी इतनी सारी चीजें आज आपके इस लेक्चर में सीखने को मिली है, और निश्चित ही जो ग्रहणशील होगा उसने आज बहुत कुछ आज आपके लेक्चर से लिया होगा, हालांकि मन नहीं भरा है, मैं बहुत मन था क्योंकि आपके पास इतनी सुंदर सुंदर बंदिशें हैं मैहर की, खास मन है कि और आप हम आपको सुनते रहते, और मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर स्वर्णा कुंटिया जी से और हमारे विभाग अध्यक्ष मैडम से कि आगे भी आपको बुलाते रहें और हम सुनते रहें आपका सुंदर संगीत, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला पंडित इंद्रदीप घोष जी, और आज आपने इतना सारा ज्ञान हमारे बीच बांटा है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, साथ ही मेरा धन्यवाद है संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी को कि ये व्याख्यान माला जो शुरू हुई है 28-29 जून से लगातार सारे ही विषयों में आपका निरंतर सहयोग रहा है, उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है हमें आपका, और एक ऊर्जा हम सबको मिलती रहती है क्योंकि आप लगातार इसमें जुड़े रहते हैं, हरी व्याख्यान में आप जुड़े रहे हैं, और जो भी आपके जो भी परिस्थितियां रही उसके बावजूद भी आप लगातार दिन भर हमारे हमें सभी व्याख्यान जो हो रहे हैं उनमें आप जुड़े रहे हैं, आपका सपोर्ट है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद सर। हमारी विभागाध्यक्ष मैडम प्रोफेसर संगीता सिंह जी जिनके की निर्देशन में ये इतने सारे जो व्याख्यान हो रहे हैं एक के बाद एक, अभी कल सितार का व्याख्यान माला 9 दिन की खत्म हुई, तबले की भी शायद अभी चल रही है या शायद खत्म समाप्त हो गई है या आज होने वाली है, और वायलिन में प्रारंभ हो गई, फ्लूट में प्रारंभ हो गई आज से, तो वायलिन की भी 2 दिन से चल रही है, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार जो जुड़ रहे हैं इसमें, और जो स्टूडेंट्स का और सभी पार्टिसिपेंट्स का और हम सब का जो लाभ हो रहा है, जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो संगीत हम सुन पा रहे हैं, जो रेयर चीजें हर शैली की, अलग अलग कलाकार अलग अलग स्कॉलर्स आके जुड़ रहे हैं, तो ये जो ज्ञान का प्रवाह बह रहा है इसके लिए वाद्य विभाग की विभागाध्यक्ष को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपके निर्देशन में ये हो रहा है, आप भी निरंतर जुड़ी हुई हैं हर व्याख्यान में दिन भर, उसके लिए आपके समय निकालने के लिए भी धन्यवाद,
डॉक्टर स्वर्णा घुंटिया जी, आप इस व्याख्यान माला की कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजिका हैं, और बहुत अच्छे से आप इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को हमारे बीच ला रही हैं। बनारस में रहते हुए हम विदुषी एन राजन जी का वायलिन हमने सुना है, आपके भी, आपकी भी शैली जो है, आपके गुरु है वो, उनकी आपके माध्यम से हम बहुत वायलिन सुनते रहे और एक शैली का हमने इतना आनंद उठाया है। और अब इस व्याख्यान माला के तहत आपने मैहर की शैली को का प्रतिनिधित्व करते हुए आज पंडित इंद्रदीप घोष जी को भी हमारे बीच आप लेके आई हैं और हमें उस शैली के बारे में इतना कुछ जानने को मिला है और स्पेशली वायलिन पे वो कैसे निकाली, कैसे उसको सफलता के साथ और सौंदर्य के साथ निकाला जा सकता है मैहर की शैली को, वो आज आपने इंद्रदीप जी के इस व्याख्यान से आपने हम सबके सामने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सारे जो हमारे साथ अतिथि गण हैं, जो इतने सम्मानित लोग हमारे इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, मेरे स्क्रीन पर कुछ लोग दिख रहे हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार रे सर, आपको भी प्रणाम मेरा, आप जुड़े हैं हमारे साथ। अच्युत राम भंडारी जी, मैं देख रही हूँ आप सारे ही व्याख्यानों में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संकाय के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बीरेन्द्रनाथ मिश्रा जी, हमारे वाद्य विभाग के सारे प्रोफेसर बालाजी और हमारे वाद्य विभाग के और संकाय के अलग अलग जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे साथ के जो अध्यापक लोग हैं, अध्यापक सभी जुड़े हैं, सभी का साथ हमें मिल रहा है। टेक्निकल असिस्टेंस में अंजलि जी हमारे साथ हैं जो निरंतर सहयोग अपना प्रदान कर रही है, उनको भी मेरा धन्यवाद। जितने प्रतिभागी देश से, विदेशों से, ऑल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर, वी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स दैट यू आर हियर विद अस, यू हैव टेकन आउट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन सीरीज, and I'm quite hopeful that all of you are taking getting to learn a lot from this lecture demonstration series. So aap sabko mera hriday se dhanyawad, aur sare scholars, academicians roz jud rahe hain, sare experts hamare sath jo jud rahe hain, aur aaj Indradeep ji punah aapko dhanyawad. Kisi ka naam agar chuta ho truti meri maan ki mujhe shama kare, lekin hriday se mera sabke liye bahut अभिनंदन तथा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी, बहुत अच्छे से आपने सबको एक्नॉलेज किया और ये आपने बहुत एंजॉय भी किया, मैं आई कैन सी इट्स इन योर फेस दैट यू हैव एंजॉयड। मैहर की सारी विशिष्टताएं आज वायलिन पर मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा था। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि कल हमारे जो सत्र होगा ये एक टेक्निकल सेशन होगा जिसमें कि हम लोग जो म्यूजिक से जुड़े हुए जो टेक्निकलिटीज़ है, जो साउंड के ऊपर जो टेक्निकलिटीज़ है और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स एडिटिंग्स, जो कि हम लोग शायद ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें सभी लोग इसकी कमी अपने में महसूस किए होंगे कि ये जो साउंड के पीछे जो टेक्निक्स हैं वो हम लोगों के पास रीच नहीं कर पा रहे हैं, जो हर्डल्स हैं, जो नॉलेज हमको चाहिए अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक ट्रेनिंग, हमको एकदम से इसकी ज़रूरत महसूस होने लगा सभी को कि हमको शायद ये टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू रीच द वर्ल्ड कि हम अपने कला को, केवल कला सीखने से ये काम अभी मुझे लगता है कि संपन्न नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज की कमी है। तो ये इसकी ज़रूरत मुझे महसूस हुई और मैं खुद इसके साथ बहुत जुड़ी हूँ, मैं खुद सीखती हूँ और इसलिए कि मुझे भी जो है इसकी ज्ञान हो और सभी लोग, मैं जिस दौर पे गुजर रही हूँ, जो मेरी जिज्ञासा जो है वो मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, इसलिए सभी लोग, मुझे लगता है कि जो टेक्निकल सेशन होगा इसमें सभी लोग इसका लाभान्वित होंगे इसमें, और सारे बच्चों के लिए भी ये एक चैलेंज ही सही हो जाएगा क्योंकि इन ऑर्डर टू कोप विद द टेक्निकल डिमांड, आपको केवल संगीत सीखने के बाद जो है ये टेक्निकल डिमांड जो अभी हो रहा है, it will be helpful for all of you to face the world, the challenging world which is in front of you.
after getting the degrees, it's also necessary that you should know all the technicalities related to music and sound. So कल की जो सत्र मैंने इसी तरह का डिज़ाइन की हूँ, तो होपफुली सभी लोग जुड़े इसमें और जरूर इसका आनंद ले और इसको सीखे। तो सभी को अनुरोध है कि कल हमारे साथ इसी समय पे 1:15 बजे, थोड़ा सा पहले ही आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पीपल दे शुड, हम सबको देख लेंगे तो फिर हमको भी अच्छा लगेगा ये प्रेजेंट करने में, और रिसोर्स पर्सन्स को भी, ही विल बी आल्सो हैप्पी टू सी दैट हिज नॉलेज इज रीचिंग टू लॉट ऑफ पीपल। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी प्रेजेंट टुमारो एट द सेम टाइम 1:15 PM। आप लोगों को पुनः सबको धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पे अपने संकाय प्रमुख के और छोटे मैडम की अनुमति से यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।